वरून का पकडलाय कमिशनर? तुम्ही अशा पद्धतीने बोलतात काय विषय म्हणून? शोभत तुम्हाला? क्षुल्लक कारण समजतात तुम्ही ह्या गोष्टी? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के सर डीएम पेटेट अस्पताल में। यह वसई विरार महानगर पालिका संचालित वसई विरार क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहाँ आज एक कुछ ऐसा मामला हुआ जहाँ कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन पर कुछ आरोप लगे हैं। दरअसल आज यहाँ एक मामला ऐसा हुआ है कि एक पेशेंट, यहाँ महिला पेशेंट थी, उनकी डिलीवरी में ऐसा आरोप लगा जा रहा है कि कोताही हुई और उस कोताही की वजह से उनका जन्मा बच्चा जो है उसकी मौत हो गई। तो कई आरोप लगे हैं। इसी आरोप के साथ में हमने यहाँ की डीन है मैडम, उनसे बात की तो उनका ऐसा कहना है कि ये जो घटना हुई है, हकीकत में ये घटना दुखद घटना है, लेकिन इसमें कोई हमारी तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से किसी तरह की गलती नहीं हुई है। अब परिवारजन आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ की पूरी पूरी गलती है, जबकि डॉक्टर इसका बचाव कर रहे हैं। तो ये वास्तव में मामला क्या है, ये तो यही पक्ष जान सकते हैं। लेकिन परिवार का यहाँ आरोप है, परिवार से हमने बात की तो परिवार का आरोप है कि उस महिला की 24 तारीख को डिलीवरी थी, और 24 तारीख को डिलीवरी डेट थी, लेकिन जब महिला यहाँ आई और डॉक्टर को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अभी कुछ दिन और लगेंगे, तो उन्होंने 2 दिन बाद बुलाया और रविवार को महिला की डिलीवरी होनी थी, लेकिन रविवार को महिला के यहाँ आने के बाद रविवार को उसकी डिलीवरी नहीं की गई और आज सोमवार को ऑपरेशन किया जाना था, लेकिन ऑपरेशन करने के पहले ही बच्चे की पेट में ही, माँ के पेट में ही छोटे बच्चे की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन की पूरी लापरवाही है। अब मैंने फिर से वही कहा कि आरोप है उसका बचाव है, लेकिन इस मामले में जो कुछ भी है उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माझं नाव रवी रामसिंग चव्हाण आहे। म्हणजे त्यांना बायकोला टायमिंग दिलेला 24 तारीख म्हणून, तर 24 तारखेला आम्ही आलेले तिला चेकअप करण्यासाठी। त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की म्हणजे असं पोटामध्ये काय दुखत आहे का, तर ती बोलली नाही माझ्या पोटामध्ये अजून काय दुखत नाही आहे। तर त्यांनी औषध दिलेलं तिला प्यायला, तर ते औषध तिला म्हणजे दिलं आणि तिला सांगितलं की परवा तू ये आणि ॲडमिट होऊन जा, असं डायरेक्ट तिला सांगितलेलं। तर आम्ही तिला ते औषध दिलं तरी पण काय म्हणजे झालं ना, बायकोला पोटात वगैरे दुखलं नाही। मग त्याच्यानंतर बायकोला आम्ही ॲडमिट केलं, तर मग त्याच्यानंतर त्यांनी म्हणजे असं म्हणजे बघितलं त्यांनी की बा मुवमेंट होते का, गर्भपिशीचं पिशवीचं तोंड उघडते का। आम्ही म्हणजे ते डॉक्टर वगैरे वाट बघत होते शनिवारच्या दिवशी, मग ते काय झालं नाही। मग त्यांनी म्हणजे माझ्याकडनं सही करून घेतली की टाईम झालं तर सीजर करायला लागेल, तर आम्ही सही दिली त्या सीजरसाठी। पण त्यांनी काल सीजर होणं गरजेचं होतं, पण डॉक्टर वगैरे कोण नव्हतं, डॉक्टर आलेले पण त्यांनी एक सीजर केलं आणि ते निघून गेले। नंतर आम्ही डॉक्टरांना विचारलं तर डॉक्टर बोलले की डॉक्टरांना टाईम नव्हतं असे बोलले ते आम्हाला। तर आम्ही ते डायरेक्ट सिस्टरला सांगितलं असं कसं टाईम नव्हतं, वरून सर। तर त्यांना आम्ही विचारलं सिस्टरांना असं का टाईम नव्हतं, पैशाची गोष्ट होती का, पैसे आम्ही दिले असते ना, पैसे देणारे आम्ही होते। तुम्ही बोलले बाहेरची मेडिसन गोळ्या वगैरे लागतील, डॉक्टरांची फीज लागतील, आम्ही त्याच्यासाठी तयार होते, आम्ही सही द्यायला पण तयार होते ना। मग तुम्ही तेवढं काम करायला पाहिजे होतं, तुमचे डॉक्टर डायरेक्ट निघून गेले, तुम्ही आम्हाला काय सांगितलं पण नाही की सीजर करायचा टाईम आहे की काय आहे ते। हां, डॉक्टर वेळेवर नसताना हे सगळं प्रकरण झालेलं आहे। तुमचं काय म्हणणं आहे, आता काही कारवाई झाली पाहिजे डॉक्टरांवरती, निष्काळजीपणा हॉस्पिटलचं अनेकदा दिसून आलेलं आहे, काय म्हणणं? ही कारवाई तर डॉक्टर आणि नर्सवर यांच्यावर झालेच पाहिजे, कारण ते व्यवस्थित सगळ्यांवर लक्ष देत नाही, आपल्या आपल्या आराम करण्यामध्ये बिझी असतात ते, त्यांना एका जागेवर बसलेलं चालतं बस। तुमच्या बायकोने सांगितलेलं की बेबी मुवमेंट करत नाही, तेव्हा नेमकं काय झालं? माझ्या बायकोने जेव्हा मला सांगितलं की बेबी मुवमेंट करत नाही आहे, तेव्हा आम्ही नर्सला सांगितलेलं की बेबी मुवमेंट करत नाही आहे, तेव्हा ती बायकोवर पण तापली आणि माझ्यावर पण म्हणजे ओरडलं, बायकोला पण आणि मला पण ओरडलं की आत्ताच मी ठोके चेक करून गेले तेव्हा ठोके वाजत होते असे बोलली होती, तरी पण तिने माझ्यासमोर चेक केलं आणि नंतर मग बायकोवर ओरडायला लागली, तुला सांगितलं ना ठोके चेक केले, तर ती बायको बोलली तिला ठोके बरोबर आहेत पण हलत नाही आहे, मुवमेंट नाही करत आहे तो।
तर त्याच्यानंतर मग त्यांनी काय सांगितलं नाही, मग ते बसून म्हणजे एका जागेवर जाऊन बसून गेले ते. रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशी रविवारच्या दिवशी जर असं माहिती पडलं असतं की बा आमच्याकडे डॉक्टर अवेलेबल नाही आहे, तुम्ही बाहेर कुठे बघा, तर आम्ही बाहेर कुठे बघितलं असतं, त्यांच्यावर अवलंबून नाही राहिले असते. त्यांनी व्यवस्थित आम्हाला काहीच नाही सांगितलेलं. देखिए, डीएम पेटिट हॉस्पिटल में हर महीने 150 से 250 डिलीवरी होते हैं, तो ये सब डिलीवरी में अच्छे से होते हैं. कहीं कहीं कभी कोई बच्चे के ऊपर घटना होती है या बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उसमें डॉक्टर की ही गलती है, ऐसा नहीं हो सकता है. कभी माँ का बीपी बढ़ा हुआ, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. कभी बच्चे ने अंदर संडास कर लिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. लेकिन ये मॉनिटरिंग हमारे यहाँ हमेशा चालू रहता है. और इस केस में कहीं से कुछ निष्कर्षी पड़ा है ऐसा अभी तक नज़र नहीं आया है. आगे हम और इसके डिटेल्स में डिस्कशन करके, अपना पेपर्स देख के, डॉक्टर से, एक्सपर्ट से बात करके, और हम आपको जवाब दे सकते हैं इस बारे में. फैमिली वाले बोल रहे हैं जो डिलीवरी की डेट थी वो डेट पे डिलीवरी नहीं हुई और इस वजह से बच्चे की मौत. देखिए, ये डेट जो होती है वो 40 हफ्ता बच्चे के, माँ के पेट में बच्चा रहता है, उस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है. लेकिन उसी तारीख पे सबका डिलीवरी होना ऐसा ज़रूरी नहीं है. हम उसके बाद में अगर डिलीवरी की तारीख दी उसके बाद और 1-2 हफ्ता रुक सकते हैं. और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, डेट का कितना स्टेटस है, ये सब हमारे एक्सपर्ट आपको दे सकते हैं. मैडम, थायराइड का आरोप है कि उनको 2 दिन पहले ये कहाँ से बोला गया कि 2 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आने के बाद भी फिर 1 दिन टाल दिया गया, इसकी वजह से ये होता नहीं. वही तो आपको बताया कि अगर 1 तारीख दी है तो उसका 1 हफ्ता और रुक सकते हैं. तो उसी दिन करना है या दूसरे दिन करना है, ये डिसीजन हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने ही लिया है. और उनका डिसीजन जो है वो एक्सपर्ट है ये फील्ड में, वो हमने मान्य किया. कॉज पता चला नहीं अभी फिलहाल, वही कॉज के बारे में डिटेल्स हम देखेंगे, गायनेक से बात करेंगे और फिर बता सकते हैं. माँ की तबीयत अभी अच्छी है. परिजनों का ये भी कहना है कि 27 तारीख को उन्होंने बताया था कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, सिस्टर को बुला करके, तो सिस्टर ने डॉक्टरों को इन्फॉर्म किया या 27 तारीख को इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, जब भी माँ का ऐसे, माँ का ऐसा बोलना था कि बच्चे का मूवमेंट कम है, तो हमारा सिस्टर का या डॉक्टर का क्या काम है कि धड़कन चेक करना बच्चे का कि कैसा है. तो उस समय जब धड़कन चेक किया गया तो बच्चे का धड़कन एकदम नॉर्मल था, और उसके थोड़ी देर बाद भी चेक किया गया तभी भी नॉर्मल था. उनके माँ को भी सुनाया गया, उनके पिताजी को भी सुनाया गया था. आज के लिए अभी के लिए इतना ही. वसई से यूसुफ अली. हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.